खुशियों के ये पल आज है और है कल, हम इस पल को जी ले, कुछ खा पी ले। पिज़्ज़ा पॉइंट कंगोर फॉर डिलीशियस मोमेंट्स। वैशाली सिंधी सेवा समिति, वैशाली नगर और भारतीय सिंधू सभा के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को सिंध स्मृति दिवस प्रेम प्रकाश आश्रम मार्ग वैशाली नगर स्थित श्री झूलेलाल मंदिर में जीडी वरिंदानी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा भारत माता के पूजन और इष्ट देव श्री झूलेलाल जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विभाग संपर्क प्रमुख निरंजन शर्मा ने कहा कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, हमें अपनी पवित्र धरा देवभूमि सिंध को सदैव स्मरण करते हुए युवा पीढ़ी को प्रेरणा देती है। सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नवल राय बच्चानी और प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार तीर्थानी ने कहा कि सिंध के गौरवमय इतिहास और भारत माता पूजन के कार्यक्रम को पूरे देश में सभी इकाइयों द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों और युवाओं को सिंध के इतिहास की जानकारी दी जा रही है। राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण सदस्य कंवर प्रकाश कृष्णानी ने कहा, सिंध मिलकर अखंड भारत बनेगा और महाराजा धारसेन के बलिदान को सदैव प्रेरणा लेते रहेंगे। आज का ये प्रोग्राम आयोजन रखा गया है सिंधु दिवस सिंधु स्मृति की याद में रखा गया है। जैसा कि अपने को याद है, सब जानते हैं कि भारत हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ था उसमें सिंधी लोगों ने भी बहुत ज़्यादा उनका योगदान रहा था। सबकी मन में भावना ये थी कि सिंधु देश जो है भारत के अंदर सम्मिलित हो जाएगा, परंतु कुछ ऐसी बड़े नेताओं की गतिविधियों से सिंधु यहाँ नहीं आकर के पाकिस्तान में रह गया था। उसकी याद में 14 अगस्त को अपन सिंधु स्मृति दिवस के अंदर मनाते हैं। मेन उद्देश्य इसका ये है कि सिंधु लोगों के अंदर जागृति पैदा करना, एकता पैदा करना, कभी भी कैसा कोई समय आ जाए ताकि मिलजुल करके सब जने अपने जाति की, अपने देश की रक्षा कर सकें। के उपलक्ष्य में सिंधी समाज वालों ने मिलकर अपनी जन्मभूमि सिंध को याद किया। इसी तरह से भारतीय सिंधु सभा झूलेलाल मंदिर चौरसियावास रोड अजमेर, वैशाली सिंधी सेवा समिति वैशाली नगर अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में झूलेलाल मंदिर चौरसियावास रोड अजमेर पर आज सिंध स्मृति दिवस मनाया गया, जहां पे सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ मुख्य वक्ताओं श्रीमान निरंजन शर्मा, श्रीमान कंवर प्रकाश कृष्णानी जी ने अपने अपने विचार रखे। साथ ही सिंधी सेवा समिति के अध्यक्ष जीडी वरंदानी साहब की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम रहा और अंत में उन्होंने धन्यवाद के दो शब्द कहे। साथ ही इस प्रोग्राम में बोधचंद मुरयानी के लिखे हुए गीत पेश किए गए। बालिकाओं में लक्षिका तारानी ने देशभक्ति नृत्य पेश किया, हेमा ने देशभक्ति नृत्य पेश किया। साथ ही पूनम टेलानी और रेखा खेमानी ने भी अपने कलाम सुनाकर मातृभूमि को याद किया और सबको भाव विभोर। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।